जन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा शान हमारी ए झंडा है ए अरमान हमारा केवल पौरुष है सदियों का ए बलिदान हमारा शान हमारी ए झंडा है ए अरमान हमारा केवल पौरुष है सदियों का ए बलिदान हमारा जीवन दीप बनेगा अंधियारा दूर करेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा आसमान में लहराए बादल में लहराए जहाँ जहाँ जाए ए झंडा ए संदेश सुनाए आसमान में लहराए बादल में लहराए जहाँ जहाँ जाए
देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हम कितने सुख सपने लेकर इसको फहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का यह झंडा घर घर में लहराएगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहत्तरवे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित ग्रामीणगण, उपस्थित सभी सहयोगीगण, हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहत्तरवे गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव है, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थान आज लगभग 10 महीने से बंद पड़ा हुआ है। कुछ कारणों से उच्च क्लास के बच्चों के लिए विद्यालय को 50% उपस्थिति के साथ खोला गया था, फिर भी जो संभव हुआ हमारे सभी शिक्षक सहयोगीगण उनके लिए जो प्रयास किए वो सराहनीय है। और आने वाले समय में आप लोगों को भी ये सूचनाएं आ रही है कि संभवतः फरवरी माह में विद्यालय का खुलना तय हो जाएगा। आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाई अपने घरों में रह के कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए। दुर्भावना ये है कि दुर्भाग्यवश जो पढ़ाई बच्चों को होनी चाहिए थी, जिस बच्चे के लिए प्रथम बार प्रयास था कि वर्ग 6 में जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, वो नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जहां भी रहें खुशपूर्वक रहें, पढ़ें। दुनिया की हर ताकत से बड़ी है कलम की ताकत, और इस कलम की ताकत को निश्चित रूप से अपनाएं। जो भी हमारे अभिभावक हैं,
या सहयोगीगण है, आप निश्चित रूप से ये तय करें कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। हम एक दिन कम खाएंगे लेकिन इस ताकत को घटने नहीं देंगे। आज राष्ट्र के सम्मान में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस झंडे के तले हम लोग ये शपथ लेते हैं ये झुकने नहीं देंगे, लेकिन पीठ पीछे भी वार होता है और उस वार को आने वाली पीढ़ी वो माफ नहीं करेगी। रिनाल्ड रीगन महोदय ने कहा था कि आने वाले वर्षों में ये कोई नहीं मानेगा कि सत्य हिंसा के पथ पर चल के गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। आज उसे गालियां देते हैं, उसके मूर्ति को तोड़ा जाता है। क्या ये अपमान नहीं है? क्या ये अपमान नहीं है? हम विद्यालय में आते हैं, हमारे सभी सहयोगी आते हैं, विभिन्न गतिविधियों को करते हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह पूर्वक प्रार्थना है, हाथ जोड़ते भी हैं कि जो भी ग्रामीण आए हैं कम से कम विद्यालय के प्रति समर्पण का भाव रखें। विद्यालय की जो गतिविधि है उसमें आप जो यथासंभव सहयोग है सहयोग करें। जो व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाती है तो मायूस होना पड़ता है। हमारे सभी सहयोगी वनगण भी बोलते रहते हैं कि सर इस तरह की बातें होती है, लेकिन आपका सहयोग मिलना उचित होगा। अगर आप सहयोग करते हैं तो अच्छी बात। ये लालजी बाबू चले गए लेकिन इस धरोहर को दिया, उसका तो सदियों यश फैला रहेगा। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आए हुए ग्रामीण और हमारे सभी बच्चे एवं बच्चियां, 72वां गणतंत्र हम लोग मना रहे हैं। हमारा अपना कानून है, हमारा अपना संविधान है और हम मानने वाले इनको नहीं है, यही हमारी दुर्गति है। जो कानून हमारे देश के लिए बना है वो तोड़ने में आनंद लेते हैं लेकिन उसको आगे बढ़ाने में आनंद नहीं लेते, यही हमारे देश का भी दुर्गति है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हम अपने देश के प्रति अगर समर्पित हैं तो हम दूसरे देशों का उदाहरण नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ 20 वर्षों से हूँ, जितना मुझसे संभव हुआ है मैं तुम लोगों को प्रोढ़ करने के लिए, जितना मैंने अपने गुरुजन से, अपने गार्जन से, अपने दुनिया के विद्वानों से पढ़ लिख कर सीखा वह तुम में डालने का प्रयास किया, लेकिन वहां कहां पीछे छूट गया। मैं बच्चे को देखता हूं कि हर मास्टर साहब हो, अरे जिनको हमने पढ़ाया वही हमारा हाल पूछता है। ये संविधान जो बना था, हमारे गुरुजन, हमारे सतजन, हमारे विद्वान और स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने बलिदानों के बाद इस बगिया को सजो कर रखा, हम उसको आज उजारने में आनंद लेते हैं, यही झंडे तले हम कसम खाते हैं। हम अपना केवल सोचते हैं, स्वार्थ में जीते हैं, परमार्थ में जीने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं तो विद्वान कहलाता हूं लेकिन जहां रहता हूं वहां कर्तव्य का पालन करने में पीछे रहता हूं, बात बनाने में सबसे आगे, क्योंकि बात से ही ठक दिया जाता है। हम कहते हैं कर्तव्य करो भाई, अपना जो उत्तरदायित्व तुमको मिला है उसको निभाने का प्रयास करो। जिस कुर्सी को पाए हो उस कुर्सी के मर्यादा को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आने वाले दिनों में यही बच्चे जो आपने समझाया उसको याद करेगा कि फला बाबू ये बात बताए थे, वो भूलते नहीं हैं, लेकिन समझदारी की कमी हो जाती है। हम अगर गंदे बगल में रहते हैं तो वहां का हम लोग परिवेश अपना लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति
का करिय कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। चंदन शीतलता प्रदान करती है, लेकिन वह शीतलता प्रदान लेने के लिए विषधर सांप जब वह अपने विष से जलने लगता है तो शीतल चंदन के पेड़ में लिपट के उसका गुण धारण करना चाहता है। अगर बाप चोर होता है तो बेटे को कभी चोरी करने का सलाह नहीं देता है। अरे मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मेरे यहाँ के सहपाठियों, आए हैं जिस कर्तव्य को निभाने के लिए ये झंडे तलक कसम खाकर उसको निभाइए। प्रवचन तो बहुत करते हैं लेकिन उसको अपने चरित्र में अपनाते नहीं हैं, यही कमी हम लोगों में है। मैं कहता हूँ साधु का जाति नहीं पूछिए, उसका ज्ञान पूछिए, उनसे सम्मान पूछिए कि आपको वह क्या बता कर गया। पीछे हम लोग गाली देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चियों, तुम चूल्हे चौके तक सिमटी नहीं रहो, तुम कल्पना चावला बनने का प्रयास करो, तुम आगे बढ़कर सानिया बनने का प्रयास करो, देश को सुंदर बनाने का प्रयास करो। एक पढ़ी लिखी बच्ची जो है वह तीन पीढ़ी को शिक्षित करती है, पहले पिताजी के कुल को, उसके बाद अपने नाना के कुल को, और दूसरे जो आने वाले समय में वह किसी के घर जाएगी उसके कुल को। ये तुम्हारा जो है दायित्व है, और वहीं से अच्छे आदमी का निर्माण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, तुम अच्छी माँ दो, हम तुम्हें अच्छा राष्ट्र देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, करार रहे थे, अपना कोई कानून नहीं था हमको डराने का, जब हम आजादी मांगते थे तो 15 कोड़ा लगाया जाता था, उस समय हमारे पिता, वो हमारे पिता थे, वर्ल्ड इज ए फैमिली, संसार ही परिवार है, उस आदमी को जब 15 कोड़ा लगता था वो कैसा लगता होगा उनको। आज हम उनको भुला देते हैं, उनके बातों को याद नहीं रखते हैं, पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उसको अपने चरित्र में अपनाने का काम नहीं करते हैं। बच्चे बच्चियों, तुम्हें पढ़ाया जाता है, अमीरी और गरीबी चलती रहेगी, लेकिन ईमान और धर्म की जब ध्वजा को तुम आगे बढ़ाते रहोगे तो हमारा देश कभी पीछे नहीं पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ऐसे आदमी पैदा लेते रहेंगे और यह राष्ट्र महानतम ऊंचाइयों पर होगा। अमेरिका में और जापान जर्मनी में क्या है, हमारे देश से उसने सीखा है, लेकिन हम उदाहरण उन्हीं का दे देते हैं, यही हम लोग कमी करते हैं। अपने देश के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ही शिक्षा जरूरी है, और ये सरकार जो कुछ भी करती है उस पर नहीं जाना है। जो हमको फंडामेंटल राइट मिला है कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया गया है, इसलिए वो जहां भी रहें, जिस पद पर रहें, चाहे वह समाज में रहें, वह अपना आदर्श देने का काम करें, इन्हें कि चोरों के साथ मिलकर अपना झंडा बुलंद करें, यह नहीं करना है। हमने एक बार 9वीं क्लास में पढ़ा रहा था तो हम बच्ची को पूछे कि अगर कोई क्रिमिनल आ जाए तो तुम लोग कैसे बचोगे भाई। तो हमने कुछ लड़कों लड़कियों ने कहा टेबल के नीचे चले जाएंगे, फाटक के बगल में खड़े होकर उस पर वार करेंगे, तो यह करेंगे, वह करेंगे, यह करेंगे। लेकिन उसमें एक बच्ची, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसने कहा, मास्टर साहब आप इतना शिक्षा दे रहे हैं, अगर चोर डकैत रहबे नहीं करेगा तो बचना किससे है। कहिए बा बेटा, तुम ही ने आज तक पढ़ा, और ये जो है टेबल के नीचे जाने वाला ये क्या बोल दिया। अरे प्यारे बच्चों, तुम जरा ध्यान से पढ़ोगे, चोरी के भरोसे आईएएस बनने का अगर प्रयास करोगे, यह देश तो चौपट है ही और चौपट हो जाएगा।
अरे बाप कहता है कि है रे 4 लाख रुपया देवे नौकरी भेज तो की तो है बोले आजकल वही हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो तुमको धकेल कर गिराने वाला इस देश की शक्ति कोई नहीं है जो तुमको पीछे छोड़ सकता है। जय हिंद जय भारत। आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं एवं यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों एवं मेरे सहपाठियों, आज हम लोग 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जब मेरा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। तो इस व्यवस्था को एक सही पटरी पे लाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान की रचना किया, उसके तहत हमारे देश में आज विधि व्यवस्था कानून जितने भी प्रकार के क्षेत्र में इनकी अवस्था पड़ी सभी जगह यह लागू है। और तब से हमारा देश खुशहाली समृद्धि विकास के रास्ते पे आगे चल पड़ी है। सभी क्षेत्रों में हमने विकास के पैदान की ओर कदम रखा है। हमारा भारत देश भी चांद पर भी कदम रखा है। ये हमारे विधि व्यवस्था यहाँ के जितने कानूनों वैज्ञानिकों शिक्षक इत्यादियों सभी के योगदान के तहत आज हमारा देश इस पायदान पे आके खड़ा है। हम बात करते हैं शिक्षा की। जैसे हमारे जय बाबू का कथन था, कलम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। एक कहावत है, पतझड़ों में मधुमास भी बदल जाते हैं, पल भर में जग का इतिहास भी मचल जाता है। सचमुच जब कलम खून से लिखती है तो जग का इतिहास बदल जाता है। तो जरूर ताकत है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने शिक्षा के प्रति समर्पित रहें। आपके नजरों में सभी शिक्षक एक समान हैं, आप के सामने सभी शिक्षक गुरु तुल्य हैं। उनके हर एक कथन एक कर्तव्य एक वचन के राह पे आपको चलकर शिक्षा के मंजिल तक आपको पहुंचना है। इसमें आपको कुछ बाधाएं विघ्न रुकावट जरूर आएंगे, लेकिन आप शिक्षकों की मदद से जिस भी प्रकार से हो आप लेकर आप आगे बढ़ें, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और साथ साथ इस विद्यालय श्री लालजी मध्य विद्यालय मुकुंदपुर का नाम और इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। और शिक्षक भी कुछ कथनी और करने में भी फर्क होता है। तो बच्चे लोग आप तो स्वयं उस रास्ते पे चल पड़े हैं, आपको भी परखने का अंदाज है कि कौन शिक्षक कितने बेहतर ढंग से आपके वर्ग कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर एवं प्रभावशाली तरीके से आपको पढ़ाते हैं। वो आप में भी क्षमताएं हो चुकी है, आप उसको भी और बेहतर बनाकर आप मुकाम पे पहुंचे। और जो भी इस विद्यालय के कल्याणकारी योजनाएं हैं उस सब में भी आपको बहुत हद तक जितनी सरकार के द्वारा प्रदत्त होती है वो आप तक मिलने का भरपूर प्रयास करते हैं कि 100% उनका अनुपालन हो। साथ साथ मैं शिक्षक बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपसी सौहार्द सद्भावना प्रेम स्नेह सहयोग आत्मविश्वास धैर्य इत्यादि को आपसी पारस्परिक क्रियाएं बनाकर चलें तो और जरूर इस विद्यालय का नाम आगे जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा भी इनका प्रोत्साहन इनकी बड़ाइयां जरूर की जाएगी, मैं ऐसा अपने तरफ से कहना चाहता हूं। और विशेष हमारे शिक्षक
नंद किशोर बाबू भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वक्तव्य रखे, उनके लिए हमें उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मेरी ओर से यहाँ उपस्थित सभी विकलांगजनों को, ग्रामीणों को और हमारे प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित आधे लोगों को तो मेरे बारे में पता होगा और आधे लोगों को मेरा परिचय पता नहीं होगा, आधे बच्चों को भी पता नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के कारण आधे बच्चे मुझे नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लाइन भी योगदान दिया है जिससे मैं कि पूरी तरह से कोरोना का प्रभाव यहाँ पे चल रहा था। तो मेरा नाम राघव कुमारी है और मैं यहाँ पे 1 जुलाई को मैंने यहाँ योगदान दिया है। 72वें गणतंत्र दिवस पे आपको प्यार भरी शुभकामनाएं। मैंने ये माइक इसलिए लिया क्योंकि मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। कहने को तो सब कुछ सबने कह ही दिया और इतने अच्छे तरीके से कह दिया, हमारे जय सर ने, नंद किशोर सर ने, किशोर सर ने, तो कहने को कुछ बहुत कुछ बाकी नहीं रह गया। और हम सभी जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आप लोग बचपन से प्राथमिक विद्यालय से लेकर के यहाँ तक पढ़ते हुए आते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, फिर हमारा संविधान बना, तो संविधान बना तो इसलिए हम लोग संविधान के लिए ही हम लोग 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हम लोग उसी के लिए 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो संविधान बन तो गया लेकिन हम लोग कितने अच्छे तरीके से संविधान को अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, सवाल यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है। तो 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये तो हम लोग जान गए कि 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान में क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं, क्या हम लोगों ने कभी इतनी गहराई से इस चीजों को सोचा है? और बस इतना ही जान लेते हैं कि संविधान बन गया है और उसी उपलक्ष में गणतंत्र दिवस मना लेते हैं, कभी ध्वजारोहण तो कभी झंडोत्तोलन, बात यहीं पे आकर सिमट जाती है। इतना पता कर लेते हैं कि 72वां है, 73वां है, 74वां, इतना ही में लगता है कि सिमट के रह जाएगा, यही 100 तक पहुंच जाएगा और 1000 तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में गणतंत्र क्या है, वास्तव में स्वतंत्रता क्या होती है, वास्तव में हम लोगों का कर्तव्य क्या है और वास्तव में हम लोगों को करना क्या चाहिए। आते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री ले लेते हैं, कोई टॉप कर जाता है, किसी को 100% मार्क्स आ जाता है, कोई IAS बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन इंसान कौन बन पाता है? सोचना ये पड़ेगा, अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए तो सब कोई सब कुछ कर लेता है, लेकिन परिवार से निकल करके अपने अपने घरों को छोड़ के समाज के लिए कौन कौन क्या क्या करता है? तो हमारा जो जन्म हुआ है, सबसे पहले सोचना ये पड़ेगा कि हमारा जो जन्म हुआ तो क्यों हुआ? जन्म जो हुआ उसका तो कोई सार्थकता होगा ना, ये तो एक जैविक क्रिया है कि मतलब जन्म हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, सबका बहुत सारा आबादी बढ़ जाती है, हर देश की आबादी बढ़ जाती है तो हर देश में बहुत सारी जनसंख्या है और शिक्षित होना, भोजन करना, शिक्षा पाना सबका अधिकार है, तो सब लोग शिक्षित हो ही जाते हैं। हम लोग क्लास 1 में जाते हैं, 2 में जाते जाते प्लस 2 तक कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी डिग्रियां हमारे पास आ जाती है, फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के पे भी तो हम लोगों को फोकस करना होगा ना, तो हमारे जीवन का एक कर्तव्य होना चाहिए, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, हमारा उतना उम्र नहीं हो गया है कि अब सबसे पहले तो मैं ये पहले माफी मांग लूंगी कि मैं अगर बोलते समय 2-4 मिनट लूंगी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, मेरी वाणी से अगर किसी को कोई आत्मिक दुख हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं बच्चों से भी कह रही हूँ, बड़ों से भी कह रही हूँ, ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और कुछ बोलने से पहले मैं उन तमाम वीरों को, उन तमाम सपूतों को, सबको मैं श्रद्धांजलि दे देती हूँ एक बार, जिनकी जिनके बलिदान से, जिनकी कृपा से हमें यह दिन देखने को मिला है और हम लोग हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते ही आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी हम लोग हैं, सब कोई ऐसा कुछ काम
सारे वीर, इतने सारे सपूत, इतनी सारी बहना, इतनी सारी लड़कियों का इतना मतलब समूह हमारा बन जाए कि मतलब हर लोग चाहे कि एक दूसरे को श्रद्धांजलि ही दे, ऐसा ना हो कि गिना चुना नाम रह जाए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये वो, दिस दैट, इतना ही ना रह जाए, हर आदमी ऐसा बन जाए जो कि एक दूसरे को श्रद्धांजलि देते हुए हम ना थके। तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्यों हम सिर्फ बार बार महात्मा गांधी का ही नाम ले, राजेंद्र प्रसाद का ही नाम ले, भगत सिंह का ही नाम ले, हम अपने आप को क्यों नहीं राजेंद्र प्रसाद बना सकते हैं? उनमें क्या 206 हड्डियों से ज्यादा क्या कुछ बना हुआ था क्या? उनको क्या हम लोगों से ज्यादा माइंड मिला था? हमारे जितनी ही थी, लेकिन स्वार्थ और हम लोग अपने व्यक्तिगत चिंताओं से गिर के कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाते, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से निकल के हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या करें ऐसा जो कि विकास हो। सबसे पहले करते क्या है, हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, हम अपना घर कैसे बनाएंगे, अपने लिए जमीन कैसे परचेज करेंगे, हमारा अपना बच्चे का विकास कैसे होगा। इन दायरों से निकल के अगर हम ये सोचें कि हम चार बच्चे का भला कैसे कर पाएंगे, पांच बच्चे का भला कैसे कर पाएंगे, हमारे स्कूल की बच्चियां, हमारी बेटियां कैसे बन पाएंगी, और बच्चे जो रोड पे सड़क पर चलते हुए जो गरीब बच्चे हैं उनको अपना बेटा कैसे बना पाएंगे, उनके लिए एक घर कैसे बनेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो एक सक्षम व्यक्ति है अगर दो गरीब बच्चों के लिए घर बना दे तो शायद हमारा भारत कभी गरीब नहीं रह पाएगा। एक सक्षम व्यक्ति दो गरीब बच्चों को अगर सक्षम बना दे तो हमारा भारत गरीब नहीं रहेगा। और मैं सभी छोटे बच्चों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ, इस विद्यालय से निकल करके मेरी आवाज शायद पूरे इंडिया तक नहीं जाएगी, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो कि मैं मन की बात रेडियो और टीवी के माध्यम से सबको कहूँगी और सबको सुन लेंगे, लेकिन यहाँ पे 50 बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं 50 बच्चों से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगी कि तुम लोग अगर कभी किसी पोस्ट पे जाओ तो कम से कम 2 से 4 बच्चों को जो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होंगे उनकी जिंदगी को जरूर बना देना, ताकि किसी भी पोस्ट पे जाओ, ऐसा नहीं कि शिक्षक बनकर के ही तुम बना सकती हो, किसी भी पोस्ट पे रहोगे तो अपने खर्च से 2 बच्चों को जरूर बना देना, ताकि 2 बच्चे जब अपनी जिंदगी बना लेंगे तो कहेंगे कि फलाना मैं भी आज जो भी है तुम्हारा नाम, उन्होंने मेरी जिंदगी को बना दिया। तो हमारा भारत कभी गरीब नहीं रहेगा आरोप प्रत्यारोप से निकल करके। अब जब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा तो आरोप प्रत्यारोप में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। हम तुम पे दोष लगाएंगे, तुम मेरे ऊपर दोष लगाओगे। सिर्फ ये सोचो हम व्यक्तिगत रूप से कितना अच्छा कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अच्छा करने के लिए सोचोगे तो पूरा इंडिया खुद ही अच्छा हो जाएगा। अगर 10 कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, 50 लोग यहाँ उपस्थित हो, तुम उसको कहोगी ये कागज क्यों नहीं उठा रही है, वो उसको कहेगा ये कागज क्यों नहीं उठा के फेंक रहा है, 50 हाथ पड़ेंगे उसको उठाने के लिए, तो क्या वो कागज वहां पड़ा हुआ रहेगा क्या? अगर सड़क पे लोग अपने घरों को झाड़ू लगा करके सड़क पे फेंक देते हैं, तुम्हारा घर अगर साफ हो गया तो रोड गंदा हो गया ना। अगर तुम सोचोगी कि उस कचरे को हम डस्टबिन में डाल दें तो क्या सड़क गंदा हो जाएगा? तो गंदगी से लेकर के हम लोग अब गंगा को माता कहते हैं और गंगा में जाके कचरा बहा देते हैं, क्या विदेश में लोग गंगा को माता कहते हैं? नहीं कहते हैं, लेकिन सड़क पे गंगा जी में ये नदियों में कचरा नहीं बहाते हैं, लेकिन वहाँ की नदियां साफ रहती हैं। तो हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, सिर्फ झंडा फहराने से नहीं होगा, वो हमारी सोच को बदलना होगा, और सिर्फ परीक्षा में बैठ के नंबर लाने से नहीं होगा। हम लोग परीक्षा में क्या करते हैं, दूसरे की कॉपी को नकल करते जैसे भी उसी को नंबर बढ़ाने की होड़ में लगे रहते हैं। सोच को बदलना होगा, सिर्फ शहीदों को नमन करने से नहीं होगा। अब कहते हैं कि बात आती है लड़के और लड़कियों की, जहाँ पे को एजुकेशन हो रहा है वहाँ पे अगर क्लास 9th की 10th की लड़कियां पढ़ रही है, प्लस 2 की लड़कियां और लड़के साथ में एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ का नजरिया बदल चुका है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। हम हर उस लड़के और लड़कियों को कह रहे हैं इस मानसिकता से निकल करके हर लड़कियों को अपनी बहन समझो, हर लड़कों को अपना भाई समझो, क्योंकि एक ना एक दिन उस जीवन के निर्वहन को तुम लोगों को करना ही है, एक ना एक लड़की से शादी करनी और जिंदगी को आगे बढ़ाना ही है। तो फिर अभी से उस दौर से निकल करके नहीं हंसना नहीं है, सोचना है मेरी बात पे, मेरी बात को गौर से सुनो सारे लड़के और लड़कियां, क्योंकि एक ना एक दिन जब उस जिम्मेदारी में आओगे तो तुमको लगेगा कि जीवन कितना ये मुश्किल होता है कि जब एक लड़की से शादी करके हम उस जिंदगी को जीते हैं। अभी तुम लोगों को बकवास लगेगा मेरी बात को, जब 10 साल के बाद उस जिंदगी में पहुंचोगे तो लगेगा कि मैडम कितना सच बोल रही थी। इसलिए इस दौर से निकल करके उस मानसिकता को हटा दो। इस गाने में ही अब रह गया कि जहाँ राम अभी तक नर है और नारी अभी तक सीता है,
भारत में अब क्या हो गया है, किसी लड़के से बात करो तो लोग कहते हैं कि कुछ गलत रिश्ता होगा इसीलिए उससे बात करती है। लेकिन बात क्या है कि अभी सोच से निकलना होगा। बहुत घटियागिरी शामिल हो गया है भारत की संस्कृति में, जो संस्कृति कभी पूरे विश्व में पूजी जाती थी। इस संस्कृति को हम लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, पाश्चात्य संस्कृति को अपने देश में शामिल करके। हमारी मानसिकता को बदलना होगा, बहुत कुछ को बदलना होगा। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहरा के कुछ होने वाला नहीं है। बोलेंगे तो अभी बहुत सारी बातें हम बोलने लगेंगे, इसलिए हम बहुत वक्त नहीं लेना चाहते हैं। और भी दोस्त मतलब सर लोग हैं जो कि अपने विचार को रखेंगे, फिर हम दोहरा के सबसे क्षमा मांग लेते हैं अगर किसी को मेरी वाणी से कोई मतलब दुख पहुंचा हो। और क्या कहते हैं, इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले हम इस झंडे के नीचे हैं और इस झंडे के नीचे चाहेंगे कि सबसे पहले सब जोर लगा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो यही एक्साइटमेंट सबके अंदर में होनी चाहिए। आज हमें सबसे पहले कुछ नए शब्दों को सुनने का मौका मिला। मैं मैडम को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमारे सामने अपने वक्तव्य को रखी, और जो खास करके स्त्री वर्ग, महिला वर्ग और लड़की वर्ग के लिए रहा, क्योंकि उनको शिक्षा ऐसे ही महिलाएं दे सकती हैं जिनको अनुभव हो। तो कम से कम आप सबको चाहिए कि इस अनुभव को अपने जीवन में उतारें। तो आज हम सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अथक प्रयास के द्वारा इतने बड़े संविधान को हमारे सामने रखा। तो यहाँ पर हम लोग उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं सबको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसा कार्य करते हैं जो सोचते नहीं हैं और करके पछताते हैं। इसलिए मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि कुछ भी कार्य करने से पहले सोचे जरूर। हमारे पास सोच की कमी है, सोचते हैं, सुबह उठते हैं, दूसरे के शब्दों को हम ढूंढते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। हम सबसे पहले अपने गलतियों को अगर रोजमर्रे के जीवन में हटाना प्रारंभ कर दें तो हम एक सबल व्यक्ति बन सकते हैं। अंग्रेजों ने क्या गलती किया पता है? उन्होंने सबसे एक योजना बनाई कि इसका सारा शिक्षा पद्धति खत्म कर दो, अपने सब नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, एजुकेशन ही आपको जानवर से भिन्न करता है, नहीं तो सभी तो जानवर ही हैं। विद्या भी है ना पशु, विद्या के बगैर हम कुछ नहीं है, पशु समान है। इसलिए विद्या को छोड़ करके हम धन के पीछे या मान के पीछे, सम्मान के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर विद्या ग्रहण कर लेंगे तो स्वतः आपको सम्मान, आदर, हर चीज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए कम समय लेते हुए मैं सबको एक अपनी एक कविता बताना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमारी जीत कैसे हो सकती है। हर कोई अपने लाइफ में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो जीत किसकी एक कविता है जो मैंने 13 में लिखी थी। तो कविता का जो पंक्तियां हैं इनको प्यार से और ध्यान पूर्वक देखिएगा। जीत रहा था हारते देखा, हार रहा था जीतते देखा। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जीत रहा था हारते देखा, हार रहा था जीतते देखा, डरपोक था वीर बनते देखा, रो रहा था हंसते देखा, पढ़ रहा था खेलते देखा, खेल रहा था पढ़ते देखा, सो रहा था जगते देखा, जगे हुए को भी सोते देखा, दीनहीन था दीनहीन था धनी बनते देखा, खोटी तकदीर थी बहुतों की, दुनिया ने भरतराज को विद्वान बनते देखा। फिर से यहां से चलते हैं, जगे जगे हुए को भी सोते देखा, दीनहीन था धनी बनते देखा, खोटी तकदीर थी बहुतों की, दुनिया ने भरतराज को विद्वान बनते देखा। नजर ने धोखा खाया, नजर ने धोखा खाया, दोस्त को भी खंजर भोगते देखा, और तो और दुश्मन को भी दोस्ती निभाते देखा, जीवन की इस बेला में बहुतों को यत्र तत्र भटकते देखा, पल भर की सकारात्मक सोच से बहुतों को जीवन की ऊंचाइयों को छूते देखा। हमारे बच्चों, सकारात्मक सोच, अगर आपको जीत चाहिए तो आपको हर वक्त, हर पल आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि आज बहुत समय
नहीं लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।